दोस्तों में आजकल विलायत आया हुआ हूँ, जैसा कि आप मेरे रिसेंटली पोस्टेड वीडियोस से देख ही रहे होंगे। कहीं भी बाहर जब हम अपने देश से जाते हैं तो अपने देश से कंपैरिजन बड़ा स्वाभाविक है। जब हम एक वातावरण में रहते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है चीज़ों को देखने की। हमें पहले गंदगी भी बुरी नहीं लगती थी क्योंकि रोज़ देखते थे, सड़क पर भीड़ भाड़ रोज़ दिखती थी तो कोई अलग नहीं लगता था, या दिन भर हॉर्न बजना कोई हमें विचलित नहीं करता था। पर जब विदेश आते हैं तो एकदम से एक नया वातावरण होता है, अलग वातावरण होता है। अच्छा या बुरा नहीं, पर एक अलग वातावरण होता है और उसका प्रभाव स्वाभाविक है कि हम पे पड़ता है हर चीज़ में। जहां पहले रुपए में खर्च करते थे, जब यहाँ पाउंड में खर्च करते हैं तो फौरन कंपेरिजन हो जाता है कि 100 रुपये 1 पाउंड के बराबर है, वहीं से कंपेरिजन शुरू हो जाता है। मेरा जो आजकल का अनुभव है, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। आज मैं अगर यहाँ के मिडिल क्लास को इंडिया के मिडिल क्लास से कंपेयर करूँ तो हमें लगता है कि हम लोग अय्याशी का जीवन जी रहे हैं यहाँ के मिडिल क्लास से, अय्याशी से कम नहीं। एक ये चीज़ लगती है कि हम फ्यूडल सोसाइटी में रह रहे हैं और ये रियली एक मिडिल क्लास के लिए क्लासलेस सोसाइटी है। यहाँ पर अगर आप एक ड्राइवर को हायर कर लीजिए दिन भर के लिए तो शायद वो उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना आप एक अच्छे आईटी प्रोफेशनल या एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल के रूप में कमाते होंगे। इतना महंगा है और इसीलिए यहाँ पर हाथ से काम करने का महत्व है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों को हाथ से काम करने का शौक है क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और हम आज जो अय्याशी का जीवन हिंदुस्तान में या ऐसे गरीब देशों में जी रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने जो लास्ट मैन ऑन फूड चेन, मतलब जो सबसे नीचे का जो आदमी है जिससे हम काम ले रहे हैं, हम उसको इतना कम देते हैं कि वो बेचारा बस सर्वाइव ही कर पाए, जिंदा रह पाए और किसी तरह से अपना गुजारा कर ले, इसके आगे कुछ ना हो। जबकि यहाँ पर लेबर की वैल्यू है क्योंकि लेबर कम है, सप्लाई एंड डिमांड का सवाल है। अगर लेबर कम है तो आपको उसको वही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जो एक आदमी को देनी चाहिए। पर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखती है वो यही है कि एक क्लासलेस सोसाइटी क्या होती है और एक फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है। पर भारत में बैठ के ये लगता है कि विदेश बड़ा अच्छा है, बड़ा अमीर है, बड़ा खुशहाली है। यहाँ आके काफ़ी भ्रम टूटते हैं। मैं इस सीरीज़ में और वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।